ओके अभी हम देख रहे हैं सीवी का इस तरह का फॉर्मेट बनाने का क्या तरीका है कि सबसे पहले हमने क्या करना है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर आके एक न्यू फाइल ले लेनी है। न्यू फाइल लेके हमें लेआउट में जाना है, लेआउट में जाके पेपर को सेट करना है लेटर पर या फिर A4 के ऊपर। मार्जिन्स को ले जाके कस्टम मार्जिन करके हम इसको सेट करने वाले हैं। यहाँ से क्लिक करके तकरीबन हमारे जो पेज की टोटल विड्थ है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हम इसको थोड़ा कम करने वाले हैं। 1 इंच तो चलें, लेफ्ट से हमने 1 इंच तो छोड़ा जो मार्जिन था वो, और बाकी के लिए इसके लिए हमने छोड़ दिया 2.5 इंच। आई थिंक इट वुड बी इनफ। तो 1 और 2.5 हो गए 3.5। तो अब यहाँ से हम छोड़ रहे हैं इसके लिए 3.5 इंच लेफ्ट मार्जिन, और राइट मार्जिन छोड़ रहे हैं 0.5 इंच, ठीक है, आधा इंच छोड़ रहे हैं। जबकि टॉप एंड बॉटम पे भी 0.5 और 0.5 ही रख रहे हैं, बल्कि बॉटम तो और कम कर रहे हैं, 0.25 कर रहे हैं। ये आधे का आधा हो गया, ये आधा हो गया, और ये राइट से भी आधा कर दिया और लेफ्ट से 3.5 कर दिया, ओके कर दिया। तो ये देखें मार्जिन एरिया काफ़ी आ गया। अब मैं यहाँ पर देखें इसको इतना हिस्सा छोड़कर फिर यहाँ डिज़ाइन करूँगा ताकि जब प्रिंट करें तो ये हिस्सा ब्लैंक ही आए, बिल्कुल उसको कवर ना करें, क्योंकि ये फ़ोटो के अंदर तो पूरा कवर हुआ हुआ है, वरना फिर फाइल के अंदर क्लिप करने में मसला होगा। अब इसको बनाने का आसान तरीका इसमें मैंने ये जो समझा है कि वो ये है कि जो अगर हम इंसर्ट में जाके यहाँ से एक शेप ले लें, और यहाँ से पहले हम अपना होम में जाके एक सिलेक्शन पेन भी ओपन कर लेते हैं और इंसर्ट में जाके यहाँ से एक अदद शेप ले लेते हैं, और यहाँ पर इतना मार्जिन छोड़ के हम इस शेप को ऐसे डिज़ाइन कर लेते हैं। तो जूम आउट करके कंट्रोल के साथ हमने इसको यहाँ से इस तरह से इसके ऊपर फैला देना है, ठीक है। तो जैसे ही ये इसके ऊपर फैलेगा तो आपने इसके ऊपर इसको इस तरीके से रख देना है, ठीक है। फर्दर अगर आपको लग रहा है कि और मुझे इसको चौड़ा करना चाहिए, वैसे मुझे तो लग रहा है नहीं करना चाहिए क्योंकि सही है इतना ही है, ठीक है। और ये क्लिप भी हो जाएगा पेपर के फाइल के अंदर, अगर इसको क्लिप भी करना चाह रहे हैं तो ये अब इजीली क्लिप भी हो जाएगा यहाँ से ये फाइल के अंदर जाके, ठीक है ना। तो ये अभी मैं समझता हूँ काफ़ी इनफ है, हमारे पास हिस्सा इसके पास 1, 2 और 2.5 इंच पूरा आ रहा है यहाँ पे, और ये हमारा कर्सर भी यहाँ पे प्लेस हो रहा है, ठीक है। सिलेक्शन पेन में इसलिए कह रहा था खोलने के लिए कि अब आपको यहाँ पे पता चल गया कि ये आपका मेन कंटेनर है, तो आप इसका नाम रख लें MAN मैन, तो ये आपका मेन कंटेनर हो गया। मेन कंटेनर का कलर जो है, अब कोई भी कलर स्टाइल आप लगा सकते हैं, लेकिन जो उसके अंदर दिया है वो कलर कुछ इस तरह का है कि वो थोड़ा सा ना ज़्यादा ब्लैक है ना ज़्यादा लाइट है, तो इसको हमने ये कलर दे के नो आउटलाइन कर दिया। तो ठीक है, ये एक कलर स्टाइल हमने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। अब उसके बाद ये देखें, ये एक सेगमेंट है इसका, ये दूसरा सेगमेंट है, ये तीसरा और ये चौथा सेगमेंट है। अब यहाँ पर ही आपकी थोड़ी एनर्जी ज़्यादा लगने वाली है कि यहाँ पे ये वाला सेगमेंट कैसे होगा, कि इंसर्ट में जाके हम एक और शेप यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे, और ड्रॉ करने के बाद अच्छा अभी समटाइम आपको ऐसा भी मसला होगा कि वाइट वाइट का मसला भी हो रहा होता है, तो डिज़ाइन में जाके यहाँ पे पेज कलर का ऑप्शन है। फिलहाल टेम्प्ररी हम इसका कलर कोई ऐसा रख लेते हैं जो हमें यहाँ पे यूज़ ही नहीं करना, ठीक है। तो अभी मैंने इस तरह का कलर रख लिया, तो शेप में जाके मैंने यहाँ से इसको यहाँ पर क्लिक किया, और यहाँ पर एक फ़ोटो लगाने के लिए मैंने इस शेप को कुछ इस तरीके से अरेंज किया, ठीक है। और इसको अरेंज करते हुए मैंने ये ख्याल रखा कि इसका यहाँ का गैप इक्वल आए, थोड़ी सी इसकी जो लेंथ है वो मैं इसकी थोड़ी बढ़ा लूँगा, इसमें मेरा फ़ोटो इस पर लगने वाला है, ठीक है। तो ये देखें, ये एरिया मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। अब इसके अंदर क्लिक करके शेप फॉर्मेट में जाके आपने अपनी अपनी बेहतर सी फ़ोटो लगानी है, ठीक है। और एक अच्छी सी फ़ोटो लगाएंगे तो इसके ऊपर आपको अपना जो है ये बेहतर सा आपको नज़र आएगा, मतलब डॉक्यूमेंट्स जो आप बना रहे हैं उनको प्रोफेशनली ख़ुद का बनाने की कोशिश करें ताकि आपका उस पर इमेज आपकी डिटेल्स उस पर आए। तो यहाँ से हमारे पास कुछ फ़ोटोज़ हैं, उनमें से हम एक फ़ोटो लगा देते हैं इसके अंदर। तो ये हमने फ़ोटो इसके अंदर जो है इस पर ऐड कर दी, इस तरह की फ़ोटो सही रहेगी इसके ऊपर, और ये हमने इसके ऊपर लगा दी। तो ये देखिए फ़ोटो इसके ऊपर हमें क्लियरली नज़र आ रही है। उसके बाद इसकी जो आउटलाइंस हैं वो थोड़ी सी थिक है और वाइट कर रखी है उसने, तो यहाँ से शेप फॉर्मेट में जाके आउटलाइंस में जाके आप इसके वेट को यहाँ से बढ़ा सकते हैं, और मज़ीद बढ़ाना चाहें तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं, और आउटलाइन का कलर जो है वो आप उसका यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से आप नज़र आने वाला है, सही। नेक्स्ट में आपने ये जो चीज़ क्रिएट करनी है इसके अंदर ये किस तरह से होगा, अब देखिए ये थोड़ा सा टेक्निकल काम है और इसको करने के लिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि ये हम किस तरीके से कर सकते हैं। अब इसको करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं। टेबल के ज़रिए भी किया जा सकता है, पर टेबल की मूवमेंट का इशू रहता है। शेप के ज़रिए भी किया जा सकता है, ओके। तो अगर मिसाल के तौर पे हम थोड़ा लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू पे हैं, तो अगर आप टेबल के ज़रिए अगर करना चाहें तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? देखिए टेबल के साथ अगर आप ये काम करना चाह रहे हैं तो फिर उसके लिए भी आपको एक अदद कंटेनर की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब आपको एक अदद शेप बनाना पड़ेगा इस तरह का कोई जो इसके अंदर पूरा फिक्स हो, और उसको शेप को जाके आपने क्या करना है फर्दर के
ओके तो एक अदद शेप हमने और बना लिया इसके ऊपर, और यहाँ पर रख के हमें इसके अंदर ये ट्रांसपेरेंट भी करना है। तो हमने इस शेप को इस तरीके से इसके ऊपर अरेंज किया, कुछ यहाँ से स्पेस छोड़ा, कुछ यहाँ से थोड़ा थोड़ा लिटिल बिट स्पेस छोड़ा कि बिल्कुल एज टू एज पे कनेक्ट ना करें। उसके बाद यहाँ पर स्पेस को रखना है हमें, तो यहाँ पर देखिए इस शख्स का नाम यहाँ पर मेंशन नहीं है। माइट बी कि इसका नाम हमें बेहतर है कि इसका नाम इसके नीचे ही शो किया जाए। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके थोड़ा डाउन ले लेता हूँ इसको, और इसका नाम इसके नीचे ही दिखाने के लिए मैं यहाँ से ये करता हूँ कि यहाँ पर रख के एक कंट्रोल डी करता हूँ इस कंटेनर का, और इस कंटेनर को इसमें से अलग करके इसको इस तरीके से रख लेता हूँ। और इसको रखने के बाद इसके नीचे ले आता हूँ, और नीचे लाने के बाद इसको इसी तरीके से इस पर प्लेस कर देता हूँ। उसमें समझाना ये चाह रहा हूँ मैं आपको कि अब इस पर राइट बटन दबा के ऐड टेक्स्ट करके मैं इसका नाम लिख लेता हूँ, मिस एलिना जॉनसन। ठीक है, मैंने इसका नाम रख दिया मिस एलिना जॉनसन, और सेलेक्ट करके जैसे आपको सीवी में बताया गया है कि बेहतरीन किस्म का फॉन्ट आप इस पर लगा लें, 14 के फॉन्ट पे लगा लें, 12 पे लगा लें, 13 पे लगा लें, और आपके पास काफ़ी बेहतर किस्म के फॉन्ट्स होने चाहिए। जैसे कि इस तरह का फॉन्ट अगर इस पर अच्छा लग रहा है तो ऐसा लगा लें, और अगर ये अच्छा नहीं लग रहा तो यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे और भी फॉन्ट्स हैं जो हम इसके ऊपर लगा सकते हैं। जैसे ये वाला फॉन्ट देख लें, ये कुछ बेहतर लग रहा है, इसको हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, और 16 पे सही लग रहा है, यहाँ पे रख के जॉनसन कर देते हैं। ठीक है, जॉनसन हो गया, सेलेक्ट करके इसको सेंटर अलाइन तो ऑलरेडी किया हुआ ही है, इसका फॉन्ट हम यहाँ से थोड़ा चेंज कर लेते हैं जो कि इस पर बेहतर लगने वाला है। अच्छा, मेरा तो मूड ये है कि इसके ऊपर अगर हम ये वाला शेप का जो ब्लैक कलर आ रहा है पीछे, इसको क्लिक करके शेप फिल में जाके अगर नो फिल करेंगे तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, और आउटलाइन को भी नो फिल करेंगे तो ये भी ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, और इसका नाम वैसे ही सही नज़र आएगा। और इसको इस तरीके से हम शेप की मदद से राइट एरो लेफ्ट एरो की मदद से आगे पीछे मूव करके इसका नाम यहाँ पे रख लेते हैं सीके नेम। ओके, और इस कंटेनर का नाम हो गया मेन जो हमने पहले बनाया था, और ये जो कंटेनर बनाए ये और ये वाला कंटेनर है, इस कंटेनर का नाम हो गया इमेज। तो ये इमेज वाला कंटेनर हमने यहाँ से नाम रखते जा रहे हैं। इसको थोड़ा ऊपर लेने के लिए हम यहाँ से करेंगे शेप फॉर्मेट में जाके। अब ऊपर कैसे जाएगा ये, तो हमने यहाँ से इसको यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हैं, मैंने ये दिया हुआ देखा, ठीक है, इसको क्लिक करेंगे तो ये एक स्टेप ऊपर आ गया। अब ये नेम और इमेज उसके नीचे आ गया, इमेज को और ऊपर ले जाते हैं तो ये इमेज, इमेज के नीचे नेम, ठीक है, और फिर कंटेनर को सबसे नीचे ही रखना है, और ये आ गया आपका कौन सा वाला एरिया जहाँ पर आप डिफाइन करने वाले हैं कॉन्टैक्ट। तो इस वाले कंटेनर का नाम हमने रख दिया कॉन्टैक्ट। ठीक है, जब ये कॉन्टैक्ट इस कंटेनर का नाम हो गया तो ये कंटेनर इस तरह से नज़र आ रहा है। अब इस कंटेनर के अंदर अगर आप टेबल बनाने का सोच रहे हैं तो इसमें 1, 2, 3, 4 तकरीबन 5 रोज और 2 कॉलम का एक टेबल बनाएंगे आप। तो अब देखें कि अगर आपका जो ये पूरा कंटेनर है, एक यहाँ आएगा और दूसरा यहाँ आएगा, तीसरा यहाँ, तो उसके हिसाब से अगर थोड़ा सा स्कोर बड़ा भी कर लें तो डजेंट मैटर, ये ऐसे नज़र आएगा। और इस पर राइट बटन दबा के एड टेक्स्ट करके अगर हम यहाँ करते हैं तो सेंटर में हमारा कर्सर आ रहा है। उसके बाद हमने अलाइन टेक्स्ट में इसको टॉप कर लिया, होम में जाके इसको लेफ़्ट कर लिया, तो जैसे ही लेफ़्ट पे गया इस तरह से नज़र आ रहा है। और होम में जाके हमने इसको नो की जगह पे इसको हमने कर दिया सपोज टू नो स्पेसिंग, जिससे इसका स्पेस भी ख़त्म हो गया। फ्रंट साइज को फर्दर थोड़ा सा 14 पे रख लिया, इंसर्ट में गए और यहाँ से हमने एक टेबल इसके अंदर क्रिएट करने की कोशिश करी, जिसमें हमने यहाँ पे इस तरह से बनाने की कोशिश करी। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा गैप भी है बीच के अंदर, अगर टेबल के बीच में गैप देना है तो हमने यहाँ से 3 कॉलम्स का गैप ले लिया बीच के अंदर, और इस तरह से बनाने की कोशिश करी। अब डिफरेंट टेक्निक्स हैं, मुख्तलिफ चीज़ें, माइट बी कि आपको शेप्स के ज़रिए बताया तो आप बेहतर है कि शेप्स के ज़रिए बना लें, लेकिन ये टेक्निक्स तो देखें हमें आनी चाहिए ना। लेआउट में जाके अगर हमने यहाँ से क्लिक किया और उसके कॉलम को थोड़ा सा यहाँ से कम किया तो ये देखें ये वाला कॉलम कम हो गया, जबकि फर्दर मैंने इस कॉलम को थोड़ा सा बढ़ाया जो कि अभी 0.2 पे था, इसको 1 पे कर दिया, और इस कॉलम की जो विड्थ थी इसको बढ़ा के मैंने 1.3 पर चली गई। अगर ये इनफ है तो ठीक है, और बीच के स्पेस को मैंने थोड़ा और कम कर दिया, 0.16 पे कर दिया, इसको और कम कर लेता हूँ, 16 से कम नहीं हो रहा तो मैंने इसके जो कॉलम के लेआउट थे इसको थोड़ा सा क्लिक करके 1.4 पे कर दिया। तो 1.4 पे कॉलम से थोड़ा एक्सीड कर रहा है, लेकिन कोई मसला नहीं है क्योंकि हमें इसको तो दिखाना ही नहीं है पीछे वाले को, तो इसको तो कर देना है हमें ट्रांसपेरेंट, तो ट्रांसपेरेंट करना है तो कोई मसला नहीं। और यहाँ पर भी इसने स्पेस थोड़ा सा लिया हुआ है, तो यहाँ पे क्लिक करके लेआउट में जाके मैंने जैसे ही टेबल के बॉडी प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक किया तो मैंने इसको कर दिया अराउंड टेक्स्ट नहीं चाहिए, और जबकि यहाँ से इसको राइट लेफ्ट टू राइट पर रखा और इसको ओके कर दिया।
ओके अब क्या करना है इसके अंदर कि इसके नीचे भी एक स्पेस रिक्वायर्ड है हमें, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का होगा, लेकिन अभी हम उसको भी करने की कोशिश करेंगे। तो फ़ोन, फ़ोन के नीचे एड्रेस चाहिए, तो पहले हम लिखते हैं यहाँ पे PHONE फ़ोन। अब यहाँ पर जो फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो 14 पर सही नहीं रहेगा, क्योंकि बाद में सेट करते हैं। एक लेआउट में जाके एक रो और ऐड कराई, अब रो बिल्कुल इससे लग कर ऐड हो गई, ठीक है ओके। इसके लिए दो ऑप्शन हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ। तो पहले वाले ऑप्शन पर हमने क्लिक करके यहाँ पर टेबल डिज़ाइन में जाके यहाँ से इसको एक शेड दिया, जो कि लिटिल बिट वाइट कलर का था, तो मैंने शेडिंग में जाके वाइट कलर दे दिया और ऑटोमेटिकली फॉन्ट ब्लैक कलर का हो गया, जो कि आप देख सकते हैं। इसके बाद आपने इसके नीचे एक और यहाँ पे क्लिक करके लिखना एड्रेस, तो ये मैंने एड्रेस टाइप करना है, तो इसको भी मैंने शेड वाइट दे दिया और ADDRES एड्रेस ये कैपिटल में लिखना है, तो मैंने इसको सेलेक्ट करके यहाँ से अपर केस में कन्वर्ट कर दिया ताकि ये एड्रेस ऐसे नज़र आए। हाँ, यहाँ पे फॉन्ट साइज़ 14 का सही नहीं रहेगा, मैं इसको कम करके 12 का कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह से नज़र आ रहा है एड्रेस के नीचे। अब एड्रेस फ़ोन भी तो लिखना है ना, नंबर फ़ोन +92344839300। तो नंबर्स में एडजस्ट नहीं हो पा रहा, तो यहाँ पर क्या करना होगा हमें फ़र्दर कि अभी पूरा कर लें, फिर इसके बाद इसको सेट करते हैं। लेआउट में जाके इंसर्ट ब्लू करते हैं, एक और रो ऐड करा लेते हैं, और उसमें हमें लिखनी है वेबसाइट, लेकिन एड्रेस के लिए थोड़ी जगह हमें ज़्यादा चाहिए, तो इसके लिए एक और छोड़ देते हैं नीचे इंसर्ट ब्लू, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं वेबसाइट। तो यहाँ पर वेबसाइट ऐड की जाएगी, www.rashidali.com लिख देते हैं हम यहाँ पे। तो ये वेबसाइट इस तरह से ऐड तो हुई है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम है। इसके बाद फर्दर इसके अंदर आपने ऐड करना है ईमेल, तो यहाँ पर क्लिक करके हम ऐड कर देते हैं ईमेल, और यहाँ पर लिख लेते हैं rashidhan@gmail.com। तो ये हमने इसके अंदर लिख दिया, और वो अभी भी एडजस्ट इसके अंदर सही तरीके से नहीं हो पा रहा, तो ये इस तरह से हमें नज़र आ रहा है, जबकि अभी इन सब का हिस्सा वाइट है। क्लिक करके यहाँ पे लेआउट में जाके अभी हम इसको यहाँ से करते हैं स्प्लिट टेबल, और यहाँ पे भी क्लिक करके कहते हैं स्प्लिट टेबल, तो यहाँ पे टेबल जो है इस तरह से स्प्लिट हो जाएगा, और ये स्प्लिट होके ये आपको सारे अलग अलग नज़र आने लग जाएंगे। इसके बाद फर्दर हमें क्या करना है इसके अंदर, अब बाकी तो सारा काम हो चुका है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा काम ये बाकी है कि ये नंबर्स वगैरह इस पर आ जाएं। तो अगर आप देखें इसको भी, अगर मैं यहाँ पे इसका जूम लेवल 100% पे रखूँ, तो ये 100% पे जब मैंने इसका जूम लेवल रखा तो ये टेक्स्ट ऐसा नज़र आ रहा है, और जब मैं अपना जूम लेवल यहाँ पे 100% करता हूँ तो मेरा टेक्स्ट अभी भी इससे काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है, कैसे देख सकते हैं आप। तो अभी हमें थोड़ा सा अपना फॉन्ट और कम करने की ज़रूरत पड़ने वाली है यहाँ पे, कि हम अपना फॉन्ट थोड़ा सा कम कर लें ताकि वो इसमें बेस्ट एडजस्ट हो सके, ठीक है ना। तो यहाँ पर अभी हम फॉन्ट का अच्छा, अगर फॉन्ट नहीं कम करते तो फिर हमें करना ये पड़ेगा कि हमें फिर इसका पीछे वाला जो इसका टेबल है हमारा ये वाला, इसका जो विड्थ है उसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा इस तरीके से, ताकि फॉन्ट एडजस्ट हो सके। लेकिन बढ़ाना कहाँ से है कहाँ से नहीं, ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। क्या राइट साइड से बढ़ाने की कोशिश करें इसको, तो टेक्स्ट बाहर नहीं आना चाहिए ना, पीछे वाले बॉर्डर से बाहर नहीं आना चाहिए टेक्स्ट, तो इस सूरत में तो ये देखें ये नहीं हो पाएगा। फिर टेक्स्ट का जो साइज़ है वो सही है, फर्दर अगर हम थोड़ा सा और भी पीछे लेके जाएंगे तो और ख़राबी ही होने वाली है। तो हम इसको ऐसे सेलेक्ट करके, यानी कि इन एरियाज़ को ऐसे सेलेक्ट करके और इनका फॉन्ट साइज़ कम करके 11 पे रख लेते हैं। हाँ, ये कर लेते हैं इसको सेलेक्ट करके कि यहाँ पर जो टेक्स्ट है उसको थोड़ा सा बोल्ड कर दिया जाए, ताकि वो इसके ऊपर प्रॉपरली दिखाई दे सके। अब ईमेल का क्या करें, तो इस सूरत में हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि जो ये वाला कॉलम है इसका, इसकी थोड़ी सी विड्थ को अभी हम फर्दर और कम कर लेते हैं, ठीक है, और इस साइड वाली विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से ऑटो फिट करके देखते हैं विंडो पर, ठीक है। और यहाँ पर भी कुछ इस तरह का ही काम करते हैं कि यहाँ पर एड्रेस, अच्छा एड्रेस वाले में तो हम यहाँ पे जाके इन दोनों को मर्ज करके पूरा लिख सकते हैं, जो भी एड्रेस है, हाउस नंबर XYZ मुस्लिम टाउन शहदादपुर, इस तरह से इसमें एडजस्ट हो जाएगा वो, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा इसको आगे कर लेते हैं ताकि ये इसके साथ साथ पूरा का पूरा एडजस्ट हो जाए, एड्रेस का मामला भी इसके साथ, ठीक है। अगर थोड़ा सा इसको भी पीछे वाले को भी थोड़ा अगर विड्थ बढ़ानी पड़े तो क्लिक करके पीछे वाले की विड्थ भी थोड़ी सी एक्सटेंड कर सकते हैं, ताकि वो हमारा बाद में भी इसके साथ एडजस्टमेंट सही रहे। इमेज को रीअलाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये कंटेनर अलग अलग बने हुए, तो इसको थोड़ा बहुत राइट साइड पर करके इस तरीके से भी एडजस्ट कर सकते हैं।
तो ये इस तरह से बन जाएगा। अब इसमें यहाँ पे क्लिक करके टेबल डिज़ाइन में जाके शेडिंग में जाके यहाँ से नो कलर कर सकते हैं ताकि इसका शेड ख़त्म हो जाए और ये इस तरह से नज़र आए। इसके बाद अब हमने जब ये कर लिया तो पीछे वाले कंटेनर में क्लिक करके शेफ फॉर्मेट में जाके इसको पहले हम यहाँ से करेंगे नो फिल, तो यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा। और फिर करेंगे नो आउटलाइन, तो इसकी आउटलाइन भी ख़त्म हो जाएगी। फिर एक एक टेबल के कंपोनेंट पे क्लिक करके टेबल डिज़ाइन में जाके यहाँ से हम करेंगे नो बॉर्डर, तो यहाँ से ये इस तरह ख़त्म हो जाएगा। यहाँ क्लिक करते जाएँ और यहाँ से भी क्लिक करते जाएँ। तो ये देखिए यहाँ से ये इस तरह से इजीली एंड हो गया। और अब आप जब इसका प्रिंट देखेंगे प्रीव्यू, तो ये आपको कुछ ऐसा नज़र आ रहा होगा। सही है। बीच के गैप्स को अगर रिमूव करना है तो देखिए मैंने आपको बताई थी एक टेक्निक के, बीच में रख के कर्सर को थोड़ा सा कम करेंगे, यानी कि कितना गैप कम करना है, 4 पर ठीक है। तो अब यहाँ पे सबके बीच में रख के इनके फॉन्ट साइज़ को 4 पे सेट कर देना है। ये देखिए अब आपको बिल्कुल वैसा नज़र आएगा, देख रहे हैं। हाँ, ये जो लाइंस आप देख रहे हैं डॉट वाली, ये ग्रिड लाइंस हैं, ये प्रिंट में नहीं आएंगी, ये आपको दिखाई देंगी आपको इस तरीके से, ये भले दिखाई दें और आपका आप देखेंगे कुछ इस तरह से नज़र आएगा। सिमिलरली अब आपको आइडिया मिल गया होगा कि अब आपने आगे वाले इन टास्क को कैसे करना है, दो टास्क को, ठीक है ना। तो अब देखें आप अपनी एक्सपर्टीज़ देखें आप कैसे कर सकते हैं, फिर इसको चेक करेंगे आपको। तो बहरहाल इतना मैंने, फिर बाद में पेज का कलर अगर आप यहाँ से दोबारा जाके डिज़ाइन में नो कलर कर सकते हैं, तो पेज का कलर भी रीसेट हो जाएगा और ये आपको कुछ ऐसे नज़र आ रहा होगा।